हाउ टू डील विद द चेक बाउंस ऑफेंडर। हाय फ्रेंड्स, मैं आपका होस्ट शरद सिंह एक बार फिर से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। दोस्तों, आपके साथ अक्सर ये होता होगा कि आपका कोई क्लाइंट, कस्टमर या फिर कोई जानकार आपकी तमाम कोशिशों के बावजूद भी आपको पेमेंट के लिए काफ़ी परेशान करता होगा। वो कभी कहता होगा कि आज शाम को पेमेंट ट्रांसफ़र कर दूंगा, या फिर कल सुबह, या फिर कुछ दिन बाद। दरअसल पेमेंट को टरकाने वाले 90% लोगों की मंशा ही यही होती है कि आपको इतना परेशान किया जाए कि आप अपनी पेमेंट को या तो भूल जाएं, या फिर वो अपनी शर्तों पर ही रुला रुला कर आपको पेमेंट करे। मेरी आपको ये सलाह है कि अगर आपका कोई कस्टमर क्लाइंट ऐसा करता है तो आप उससे चेक से पेमेंट लेने से बचें, क्योंकि ऐसा चालाक आदमी एक हैबिचुअल ऑफेंडर होता है और वो आपको परेशान करने के लिए चेक को जानबूझकर बाउंस करा सकता है। आज का हमारा टॉपिक ही यही है कि अगर आपका कोई क्लाइंट चेक बाउंस कराता है तो आपको उसे सबक सिखाने और अपनी पेमेंट वसूलने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आखिर चेक बाउंस होता क्या है। जब भी आपका बैंक आपका चेक अनपेड वापस करता है तो उसे डिसऑनर्ड या फिर अनपेड चेक डिक्लेयर कर दिया जाता है। चेक बाउंस होने की कई सारे रीजन हो सकते हैं, जैसे कस्टमर के अकाउंट में लैक ऑफ फंड्स, सिग्नेचर का मिसमैच होना, अकाउंट होल्डर का चेक पर ओवरराइटिंग करना, अकाउंट का क्लोजर होना, इशूड चेक को 3 महीने बाद डालना, चेक पर लिखे फिगर्स और अमाउंट का मिसमैच होना, अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाना, या फिर कुछ और भी वजह हो सकती है। लेकिन सबसे बड़ी वजह होती है कस्टमर का बेईमान होना, यानी उसकी मंशा ही आपको पैसे नहीं देने की होती है। अगर आपका कोई क्लाइंट भी अगर ऐसा करता है तो आप उसे ये वीडियो शेयर करके ये बता सकते हैं कि अगर उसने चेक का बाउंस करने की मंशा रखी तो उसके खिलाफ ये कड़े एक्शन हो सकते हैं। बैंक पेनल्टी। अगर आपका कोई कस्टमर जानबूझकर आपका चेक बाउंस करवाता है तो बैंक उस पर पेनल्टी लगा सकते हैं। इसे आप बैंकिंग टर्म्स में NSF फीस भी कह सकते हैं। हाँ, बैंक्स पेनल्टी अमाउंट रीजंस के जानने के बाद ही लगाते हैं। जैसे कि अगर चेक बाउंस लोन पेमेंट के अगेंस्ट हुआ है तो बैंक एडिशनल लेट पेमेंट चार्जेस भी लगा सकते हैं। आप चेक लेने से पहले ही अपने क्लाइंट को बता सकते हैं कि अगर वो चेक इशू कर रहा है और उसने चेक बाउंस करवाने की चाल चली तो उसे समझ लेना चाहिए कि चेक का बाउंस होना नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के सेक्शन 138 के तहत एक क्रिमिनल ऑफेंस होता है। इसके अलावा उस पर सिविल सूट भी फाइल हो सकता है। नेगेटिव इन्फ्लुएंस ऑन द सिविल स्कोर। आप इशारों में ही सही, मगर अपने कस्टमर को ये समझा दें कि अगर उसका चेक बाउंस हुआ तो उसके सिविल स्कोर पर खराब असर पड़ेगा, यानी उसके क्रेडिट हिस्ट्री खराब हो सकती है और उसे आगे कभी जरूरत पड़ने पर लोन लेने के लाले भी पड़ सकते हैं। हमेशा चेक इशू करने से पहले ये समझ लें कि आपके अकाउंट में जरूरत से ज़्यादा फंड हो, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो चेक बाउंस भी हो सकता है और एक हेल्दी सिविल स्कोर के लिए ये ठीक नहीं होता है। सिविल और क्रिमिनल एक्शन अगेंस्ट द इशूअर। चेक इशू करने से पहले क्लाइंट को ये भी ध्यान रखने को कहें कि चेक के बाउंस होने पर उसके खिलाफ क्रिमिनल या फिर सिविल केस भी डल सकता है। अगर क्लाइंट ने जानबूझकर चेक को बाउंस करवाने जैसे कारनामे को अंजाम दिया है तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के सेक्शन 138 के तहत पे इशूअर पर क्रिमिनल रिपोर्ट दर्ज करा सकता है, पर ये इशूअर को नोटिस पीरियड के 1 महीने के अंदर ही दर्ज करवाना पड़ता है, और इशूअर पर हुई कंप्लेन सही पाई गई तो उस पर 2 साल तक की सजा भी हो सकती है। गिव अ डिमांड नोटिस टू द ड्रॉअर व्हेन द चेक बाउंसेस। आपको इस बात का भी ख्याल रखना होगा कि चेक बाउंस होने की सूरत में आप अपने क्लाइंट को डिमांड नोटिस जरूर भेजें, और वो भी सिर्फ 30 दिन के अंदर अंदर, क्योंकि आपने अगर देरी की तो आपका केस कमज़ोर भी पड़ सकता है। हम आपको ये भी एडवाइस करेंगे कि तमाम कोशिशों के बावजूद अगर आपका क्लाइंट ना सुधरे तो आप किसी अच्छे लीगल एडवाइज़र की मदद जरूर ले लें। यह चेक बाउंस केस में आपको अच्छा लॉयर चाहिए तो आप हमें 8828090528 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको चेक बाउंस कराने वाले पेयर के खिलाफ एक्शन लेने से पहले इस बात का भी ख्याल रखना होगा कि आप लीगल एक्शन तभी ले सकते हैं जब आपको इशू किया गया चेक आपसे लिया गया कर्ज चुकाने या फिर किसी दूसरी लायबिलिटी के पेमेंट चुकाने के लिए हो। अगर पेयर ने चेक आपको किसी गिफ्ट पर्पस या अनलॉफुल एक्टिविटी के लिए इशू किया था तो उस पर आप कोई लीगल एक्शन नहीं ले सकते हैं। तो बिज टीवी की टीम ये उम्मीद करती है कि आपको हमारी एडवाइस जरूर पसंद आई होगी, और आप आगे भी हमारी एडवाइस सुनना चाहते हैं और लेना चाहते हैं तो 8828090528 पर कॉन्टैक्ट हमें कर सकते हैं।